नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम आपकी मुलाकात जानी मानी गायिका प्रियाणी वाणी से करवाने जा रहे हैं। प्रियाणी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको मेरा भी नमस्कार। प्रियाणी, इंदौर से मुंबई का सफर जी क्या लगता है, कितना चुनौतीपूर्ण? इंदौर से मुंबई का सफर चुनौतीपूर्ण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोलूँगी, क्योंकि जब कोई काम आप अपने इंटरेस्ट का करते हैं तो वो संघर्ष नहीं होता, वो आपके लिए एक रोज एक चैलेंज होता है और लगता है उसमें बहुत मजा आता है। तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग को थोड़ा सा स्पेसिफाई भी करना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग कैसा था? देखिए, ऐसे है कि बचपन से ही चाहती थी कि इस फील्ड में कुछ करूं। गाना और म्यूजिक के अलावा कुछ सीखा नहीं, इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने म्यूजिक से किया है। तो जब मुंबई गई तो मुंबई मेरे लिए काफ़ी लकी रहा, क्योंकि मुझे जाते ही वहाँ कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में एंट्री मिल गई। उनके साथ मैंने इनिशियली काफ़ी शोज़ किए, उसके बाद वहाँ पे किसी ने मुझे नोटिस किया, ईटीवी उर्दू के लिए मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे एक पूरा गज़ल का शो ऑफर किया, मैं उस शो को एंकर भी करती थी और गज़लें गाती थी, तो ऐसे मैं गज़ल सिंगर बन गई। और उसके बाद फिर वहाँ से नोटिस किया किसी ने कि एक रियलिटी शो आ रहा है तो आप ऑडिशन दीजिए, तो ऐसे मुझे वॉइस ऑफ इंडिया में एंट्री मिल गई। और वॉइस ऑफ इंडिया तो खैर सब लोगों ने देखा ही है, मेरे लिए बहुत ही मतलब यादगार जर्नी रही है। आई वॉज द लास्ट फीमेल ऑफ दैट कॉन्टेस्ट और मैंने बहुत इंजॉय किया, और उसके बाद से भगवान की दया से काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपने कहा ईटीवी ने आपको एक प्रोग्राम दे दिया था जिसको आप एंकर करती थी, आप गज़ल गाती थी, तो क्यों नहीं किसी एक गज़ल से हमारे कुछ आप? ज़रूर ज़रूर, मैं एक गज़ल आपको सुनाती हूँ मेहंदी हसन साहब की। होश हस्ती से तो बेगाना बनाया होता, काश तूने मुझे दीवाना बनाया होता। होश हस्ती, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इस गज़ल में दर्द निकल कर आया, काश तूने दीवाना बनाया होता, लेकिन हकीकत यह है कि प्रियाणी के गाने के दीवानों की संख्या काफ़ी सारे चाहने वाले जो प्रियाणी को हमेशा इंदौर में सुनते आए हैं, मुंबई में सुन रहे हैं, और कई सारे शोज़ प्रियाणी देश के हिस्सों में जाकर, अलग अलग हिस्सों में, विदेशों में जाकर करती हैं, और सुनने वाले चाहने वाले काफ़ी हैं। क्या लगता है, गज़ल गायकी से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, गज़ल को लेकर हम बात करें तो आज उतने कदरदान नहीं है, या युवा पीढ़ी गज़ल की तरफ भी आकर्षित नहीं हो रही, इसको लेकर क्या कहती हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात यहाँ से ये सहमत नहीं हूँ कि गज़ल के कदरदान नहीं है। गज़ल की अपनी एक ऑडियंस हमेशा से रही है और आज भी गज़ल की अपनी एक ऑडियंस है। आप ये नोटिस करेंगे, जब भी आज भी कभी फिल्मों में एक आध गज़ल आ जाती है, जैसे फिर ले आया दिल आई, तो सडनली उसको पॉपुलैरिटी मिलती है। ये बात सही है कि अभी हमारी फिल्मों में उतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन नॉन फिल्मी जो मतलब एल्बम्स हैं या यूट्यूब पे आप देखेंगे, अभी कुछ गज़लों के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और हमें मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, सिंगर फ्रेंड्स, जिन्होंने गज़ल को रॉक के साथ जोड़ा है, किसी ने गज़ल को पॉप के साथ जोड़ा है उसको पॉपुलर बनाने के लिए। और एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप सब जानते होंगे, जैज़िम शर्मा जी, वो बहुत अच्छा गज़ल अभी कर रहा है, और सभी लोग ये मानते हैं कि वो अभी गज़ल की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है युवा पीढ़ी में। तो ऐसा नहीं है कि गज़लें कभी भी नहीं सर पीछे रहेंगी, क्योंकि गज़लों का, मैं तो गज़ल से बहुत प्यार करती हूँ, और जब भी मुझे शो में कहीं मौका मिलता है तो मैं गज़ल ज़रूर गाती हूँ। क्या बात है, हमारी भी खुशकिस्मती है कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत गज़ल से की है। आपने कहा गज़ल को रॉक के साथ जोड़ रहे हैं, पॉप के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन गज़ल जो है वो रूहानियत, दिल से गाई जाने वाली चीज़ है। ये जोड़ा इसलिए जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और आप देखिए, गजल में सबसे मायने रखती है पोइट्री। आज जाने की जिद ना करो, क्यों आज भी पॉपुलर है, उसको देश देश क्या विदेशियों ने भी अपने अपने तरीके से गाया है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पोइट्री वो हर किसी के दिल में पहुंची है। तो कई बार होता है कि युवा पीढ़ी इससे अवेयर नहीं होती, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमें बात किसी और तरीके से कहनी पड़ती है, लेकिन बात वही है। सही बात है। देखिए, एक कलाकार जो होता है वो
इस मर्म को काफ़ी अच्छे से समझता है और गहराइयों से जो संगीत की गहराई जिसमें होती है उन सब चीज़ों को की समझ उसमें अच्छी होती है। जैसे प्रियाणी ने शुरुआत में ही कहा कि संगीत से ही उन्होंने शिक्षा अपनी आगे तक बढ़ाई है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सारी सब चीज़ें, तो उन्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ आया है। और इस बात का भी अंदाज़ा तारीफ करना होगी प्रियाणी की कि आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है और उससे गज़ल को कैसा जोड़ा जाए, उसको आपने काफ़ी बखूबी समझाया। जी जी, आपने रियलिटी शो की बात की, इंदौर से मुंबई के सफर की बात की, रियलिटी शो को अगर हम देखें तो कितने फायदेमंद और कितना उससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो रहा है? देखिए, फ़ायदा तो बहुत हुआ है। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि छोटे छोटे शहरों के, छोटे छोटे गांव के जो टैलेंट छुपा हुआ रहता है, वो रियलिटी शो में हम जब सुनते हैं तो लगता है अच्छा, ये इतने छोटे शहर से बिना सीखे इतना अच्छा लोग गा लेते हैं, वो तो बहुत फ़ायदा है ही है। उसके बाद सिंगर को लोग पहचानने लगते हैं तो शोज़ मिलने लगते हैं, उसकी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि उससे हमें काम मिल जाएगा और आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी या और कहीं एंट्री मिल जाएगी, तो ये बात गलत है, क्योंकि उसके लिए तो आज भी उतना ही स्ट्रगल है जितना उस ज़माने में था। और प्लस रियलिटी शो एक प्लेटफॉर्म है, उसे आप एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करें कि एक कॉम्पिटिशन है जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं हम, लेकिन उसके बाद आपका स्ट्रगल और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको आउट ऑफ कैमरा भी जाके काफ़ी कुछ परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल ठीक कहना है। क्या क्या रियलिटी शो के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से आपने बात की है, आपकी एंट्री भी बॉलीवुड में या इसके आगे बाने तो रियलिटी शो से ही हुई है। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो स्ट्रगल की बात करें तो कैसा, और क्या मुंबई में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी आर्ट के साथ एक गॉड फादर का होना भी ज़रूरी है? देखिए, गॉड फादर हो तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि फिर आपको आप ठोकर नहीं खाते, आपको रास्ता वो बताते जाते हैं और आप उस रास्ते पे चल चलते हैं। लेकिन गॉड फादर नहीं होते तो हम कई बार गिर के उठते हैं और फिर हम बन जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और मतलब मेरे साथ मेरे फादर थे, तो उन लोगों उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी जो मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो शायद मैं कहीं भटक ही जाती। तो जब आपके साथ कोई बड़ा होता है तो वो आपको भटकने से मतलब आप काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है आपकी लाइफ में। और पर ये बिल्कुल आप हिम्मत ना हारे कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब आपकी समझ पे डिपेंड करता है और आपकी सच्चाई पे डिपेंड करता है। आपकी नीयत क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बाकी सब कुछ बाद में आता है। क्या प्रियाणी, एक आपने जब अपने पापा की बात छेड़ी थी तो आपका एक वीडियो काफी पॉपुलर है जो आपने अपने पापा को समर्पित किया है। जी जी, मैं चाहता हूँ कि उसे भी कुछ गुनगुना दीजिए। जी जी जी, जरूर। दो एक्चुअली वीडियो बनाए थे मैंने, एक पापा मेरे किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और किशोर दा को बहुत बखूबी गाते थे, और मैंने भी लता जी आशा जी से ज्यादा किशोर कुमार को सुना है, तो उनके लिए मैंने ये गाना कवर किया था और उसको अवार्ड भी मिला, जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल में बेस्ट कवर का अवार्ड दिया गया। तो वो गाना जरूर मैं आपको हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। जब बात परिवार की हो रही है, अपने संस्कारों की हो रही है,
तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके परिवार में भी ज़्यादातर लोग म्यूज़िक से ही जुड़े हुए जी हैं, जी जी किसी न किसी कला में पारंगत है, तो उस बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। और मैं आपको इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले, इस पीढ़ी तक की तो बात कर रहे हैं हम, अगली पीढ़ी की भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी आप इस पीढ़ी के बारे में बताइए और जो परिवार के बारे में मैंने बात की। जी जी मेरी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहाँ हर कोई एक ना एक कला में पारंगत है, और म्यूज़िक तो हमारे मतलब हमारे खून में बहता है। जी मेरे चाचा मेरे पापा तो बहुत अच्छे सिंगर थे ही थे, जी जी सभी उन्हें जानते हैं इंदौर में भी और सभी जगह, और मेरे चाचा भी बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरे एक मनोज चाचा हैं वो बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग करते जी हैं और जी बहुत अच्छा लिखते हैं, और भी कई कई अभी जो आज की भी पीढ़ी आ रही है वो भी बहुत अच्छा गाने लगी है, लिखने लगी है। ये जो समझ होती है कि शब्द को कैसे पिरोना है कैसे गाना है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, तो मैं लकी हूँ मैं इस परिवार से हूँ। क्या बात है, सही बात है। और ये पारिवारिक माहौल किस हद तक एक कलाकार के मन में होता है, कलाकार के आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करता है, इसका आपने अभी तक तो सुना है, लेकिन इसका साक्षात उदाहरण हम इस कार्यक्रम के अंत में हाथों हाथ ही दिखाने वाले हैं आपको। साथ ही मैं कहना चाह रहा था, पीढ़ी की एक पाकिस्तानी गाना भी आपने कहीं गाया है, कुछ किया है पाकिस्तान के जी लिए। जी अभी रिसेंट एक्चुअली पाकिस्तान के लिए मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, और पाकिस्तान में ड्रामास बहुत बनते हैं, तो एक ड्रामा तो रिलीज़ हो गया है बेचारी नाडिया करके, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है, और एक और बाबा जानी करके एक प्ले एक और आने वाला है ड्रामा, और ये सब यूट्यूब पे आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, उसका टाइटल सॉन्ग और बाबा जानी का भी टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है, और मुझे खुशी है कि चलिए हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कर पा रहे हैं, और हमें तो जब गाते हैं तब पता नहीं होता हम कहाँ क्या कैसे होगा ये गाना, जब मुझे बाद में पता चला कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा के लिए है तो आई वॉज वेरी हैप्पी। यानी आपने कहा कि आपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ गाया है, वहाँ की किसी फिल्म के लिए गाया है, सीरियल के लिए गाया है, क्या आपको कभी इन सब चीज़ों को लेकर किसी लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, क्या नेगेटिव प्रतिक्रिया आई, या क्या कहती हो आप उसको लेकर? देखिए ऐसे तो बहुत प्रतिक्रियाएं आई जब लोग ये गाना रिलीज़ हुआ है अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान का, तो मुझे काफ़ी कॉल्स भी आए और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि व्हाई डिड यू सिंग फॉर पाकिस्तान, और मैंने कहा ओके सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो नहीं उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया है ये है वो है, और वो मतलब देशभक्ति और वो सब लोगों की अचानक से जाग पड़ी, और मैंने कहा यार कलाकार का तो कोई जात नहीं होता और कोई देश नहीं होता मेरे ख्याल से, हम लोग तो मैं मलेशिया गई थी सर, और हमने इंडिया से मैं थी पाकिस्तान से ज़ैन अली था और बांग्लादेश से एक आर्टिस्ट था, हम तीनों देशों ने मिलके एक प्रोग्राम किया, और क्या रिएक्शन आया उसका, जब संगीत एक ऐसी चीज़ है जो प्योर है उसको आप बंधनों में नहीं बांध सकते, और अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं या पाकिस्तानी सिंगर आर्टिस्ट हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसमें कुछ बुरा या ख़राब क्या है, सही बात है। तो मुझे तो वो बात अच्छी नहीं लगी, जिसे भी बुरी लगी आई एम सॉरी, कि अगर मुझे और ऑफर आएगा पाकिस्तान से मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल ठीक कहना है प्रियणिका, कि कलाकार तो कलाकार होता है, उसके लिए अपनी कला ही सर्वोपरि होती है। वहाँ राष्ट्रभक्ति हर व्यक्ति में होना चाहिए, जज्बा राष्ट्रभक्ति का हर व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसके मायने देश राष्ट्र या आपसी भेदभाव नहीं होता, वो सिर्फ कला और कला की तरफ ध्यान देता है। और मैं तो इस बात को सराह रही थी सर कि पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी गायिकाएं हैं वहाँ पे, फिर भी उन्होंने मुझे याद किया और बुलाया, उन्हें लगा कि मेरी वॉइस उनके गाने पे जज कर सकती है, और उन्होंने तब नहीं सोचा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं क्यों सोचूँ कि वो पाकिस्तानी है, ये बात है। क्या फर्दर प्रोजेक्ट्स की बात करें आपकी, तो क्या फर्दर प्लान्स हैं आपके इस समय? देखिए अभी तो शोज लाइंड अप है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे हम इस टाइम पे काफ़ी आउट ऑफ इंडिया शोज करती हूँ, और नवरात्रि में काफ़ी अच्छे से करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से गरबा करती आ रही हूँ, और इसके अलावा टी सीरीज़ की 1 या 2 फिल्में हैं जिसमें गाने हैं मेरे, शायद 2-3 महीने में रिलीज़ होंगे, और बाकी बस चलता रहता है, हम काफ़ी एक्चुअली हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है फॉल्सेटो म्यूज़िक, जिस पे हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पे हम नॉन फिल्मी म्यूज़िक जो कि वेस्ट की चीज़ है, यहाँ हमारे इंडिया में बॉलीवुड के अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं है,
तो हम चाहते हैं कि ऐसा भी म्यूजिक सामने आए जैसे कैलाश खेर जी जो म्यूजिक जी करते जी हैं, तोची रैना जी जो म्यूजिक करते हैं। नॉन फिल्मी म्यूजिक में क्या आपको स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अभी गाना रिलीज किया था माहिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सर हम उसका। चाहते हैं उसको जरा जी जी सुना जरूर जरूर जरूर, ये गाना फॉल्सेटो म्यूजिक चैनल पे जरूर जाके सुने। माहिया तेरी याद आती है आती है, कभी आ मुझे मिलने ओ माहिया, कभी आ मुझे मिलने मेरी जान जाती है माहिया। मुझे YouTube से एक घटनाक्रम याद आता है कि एक आपका वीडियो YouTube पर मैंने देखा है, Facebook पर भी देखा है, जिसमें लोगों की रिएक्शन के ब्लाइंड सिंगर से वो क्या मान रहा है, तो वो भी सुनना जरूर चाहेंगे आपसे। हाँ जी, वो ऐसा था कि आप सब जानते होंगे मैं वॉइस ऑफ इंडिया में थी, और मेरे साथ हमारे एमपी के आभास भी थे। जी। हम लोग मिलके काफ़ी जैमिंग करते रहते हैं। जी। तो एक दिन भी हम ऐसे ही जैमिंग कर रहे थे गाने पे, और हमने सोचा चलो इसका वीडियो बनाते। तब वीडियो डालना नया नया आया जी था, जी आज से जी 3 साल पहले की बात कर रही जी हूँ मैं। जी और हमने वो वीडियो ऐसे ही इशारों इशारों गाना था, और उसको हमने ऐसे ही मगन होके बिल्कुल गाया है एक गिटार के साथ, दैट्स जी इट। जी जी और हमने फेसबुक पे डाला और वो इंस्टेंट वायरल हो गया। और बहुत पॉपुलैरिटी के बाद सडनली एक हमें फेसबुक पे कमेंट आया कि ऑल 3 आर ब्लाइंड। उसके बाद वो और भी वायरल हो गया, और उसके बाद हर किसी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे यही लिख के आने लगा, ऑल 3 आर ब्लाइंड एंड दे आर सच ब्यूटीफुल म्यूजिशियन एंड दिस 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 दैट दैट। देन हमने देखा कि आमिर खान भी ट्वीट कर रहे हैं, अनिल कपूर भी ट्वीट कर रहे हैं, अनुपम खेर ने भी उसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया, एंड वी वर शॉक्ड। और ऑल दो मतलब वायरल हुआ तो लोग हमें जानते हैं, नो डाउट, और लोगों ने कमेंट में भी लिखा है नो दे आर नॉट ब्लाइंड, दे शी इज प्रियानी, आभास, ये वो, पर अभी तक वो सिलसिला रुका नहीं है। चलो, उस सिलसिले को हम भी थमने नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि उसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। जी जरूर जरूर, लेकिन हर जो भी ये देख रहा है और जिनसे भी वीडियो देखा है, मैं बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखें सब देख सकती हूँ। जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुना नहीं, मजा क्या रहा जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ क्या से। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मैं आपसे कह रहा था कि कलाकार के परिवार में कलाकार धीरे धीरे परिवार के अन्य लोगों में भी कला आती है, उसके बीच में भी भावना आती है। यहाँ आपको वीडियो फुटेज देखिए, ये बच्ची प्रियाणी की बच्ची बिटिया है जो इस समय यहाँ हमारे स्टूडियो में ये शो चल रहा है, तब कलर कॉम्बिनेशन कर रही है ड्राइंग बुक पर बैठकर। तो आप पहले उसके कलाकारी को देखिए, फिर मैं आपको वो दिखवाता हूँ जो उन्होंने वीडियो बनाया, जो उन्होंने ड्राइंग किया है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रियाणी वाणी से, जैसा मैंने कहा कि छोटी सी बच्ची भी बैठकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, ड्राइंग वहां बैठकर बना रही है। तो कलाकार का जो मन होता है, कलाकार के जो जीन्स होते हैं परिवार से निकल कर आते हुए, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। प्रियाणी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और थैंक यू आप सो हमारे मच, स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत की बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर कॉलिंग मी। और सबका प्यार और दुलार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, क्योंकि आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा वही चाहिए। और आपका, आपके चैनल के सारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि 2 महीने बाद जब गाना रिलीज होगा टी सीरीज से, तो आप सब ज़रूर सुनिएगा, और मैं फिर से आपके पास थैंक यू, आऊँगी। थैंक यू।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।